हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा जैक और आप देख रहे हैं कस्टम हैक। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा स्पेशल वीडियो है। दोस्तों, ये सभी के लिए कॉमन बात है कि जो लोग आजकल तो सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्मार्टफोन रहते हैं, जो जिनका हेवी यूज़ रहता है यूज़ करने का फ़ोन को, तो उनके मोबाइल में ज़्यादातर बहुत प्रॉब्लम आते होंगे। तो पहला प्रॉब्लम तो यह है कि उनका मोबाइल हीटअप बहुत होता है जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेन जो हमारा पहला इशू था हीटिंग का, तो हीटिंग के लिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे को हमारे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में जो हमारे बैकग्राउंड ऐप रहते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च कर लेना आपने बैकग्राउंड ऐप, या तो फिर आपके डायरेक्ट बैटरी में जो हमारा बैटरी का ऑप्शन रहता है उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा पावर कंजम्पशन डिटेल, कि पावर किधर किधर ये हो रही है, बैटरी यूसेज। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, तो सिंपली क्या करना होगा हमको कि जो हमारे बैकग्राउंड ऐप है तो उसको हमको क्लोज करना होगा। जो ज़्यादातर ये देखिए, मैंने पूरे क्लोज करके रखे हुए, सिर्फ जिसकी मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे कि ये वहाँ पे आप व्हाट्सअप देख रहे हैं तो व्हाट्सअप पे कोई भी मैसेज करते रहता है तो उसकी नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उसको चालू रखा है। तो ऐसे जो सिर्फ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ उसके आप बैकग्राउंड में चालू रखिए, बाकी को सबको क्लोज कर दीजिए। तो ये आपको बैटरी में जो हॉनर हुआ वे के मोबाइल से उनको आपको बैटरी के अंदर मिल जाएगा, बैटरी के अंदर उसका जो ऐप वगैरह का है वो मिल जाएगा, या तो फिर आपको सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप करके सर्च कर लेना होगा तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो इसको जो बैकग्राउंड ऐप है ये क्लोज करने का कारण ये है कि वो बैकग्राउंड में आपके जो ऐप चालू होते वो बंद हो जाएंगे। बंद होने से आपका बैटरी पावर बच जाएगा और उसके वजह से जो फंक्शन चालू रहते हैं उसके वजह से जो हमारा हीटअप का इशू आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा ऐसा कि जब हम चार्जिंग को फ़ोन लगाते हैं, चार्ज करते टाइम पे हम हमारे मोबाइल में वर्क करते हैं, तभी भी हीटअप का इशू आता है। तो मेरी सलाह यह है कि आप चार्जिंग के वक्त मोबाइल से कुछ भी वर्क ना करें। और दूसरा ऐसा कि आपको जल्दी से जल्दी चार्जिंग करना होगा तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड उस पर डाल के या स्विच ऑफ करके आप चार्जिंग कर लीजिए। ज़्यादा हार्डली एकदम आधे घंटे या पौन घंटे में आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में, हीटिंग के बारे में। और दूसरा ऐसा भी होता है कि जो कंपनी के अपडेट आते हैं, जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो तब तक के हमारे मोबाइल में कोई हीटिंग इशू नहीं रहता है, क्योंकि तब हम ज़्यादा ऐप इंस्टॉल नहीं करते। जैसे हमारा ऐप का वर्कलोड बढ़ते जाता है तो उसके वजह से हमारे मोबाइल में हीटिंग इशू आना चालू हो जाता है। और उसके बाद में कंपनी के तरफ से जो हमारे को अपडेट आते हैं वो हेवी रहते हैं, वो अपडेट करने के बाद में और भी इशू बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, ये था हीटिंग इशू के बारे में। और दूसरा जो हमारा मेमोरी का है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो देखिए हमारा अभी जो 32 GB होगा, 64 GB होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो कम से कम हमारा जो मैनेज करने के लिए, जैसा कि अभी 64 GB है तो उसको 40 के ऊपर मत जाने दीजिए। 40 के ऊपर चले गया GB, जैसा 64 GB का है तो 40 GB के ऊपर हमारा डाटा चले गया तो हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, हैंगिंग प्रॉब्लम, स्लो हो रहा मोबाइल, और ठीक है तो ऐसे इशू आना चालू हो जाएंगे। और उसके बाद में मोबाइल को ऐसा क्लीन अप करते जाइए, जैसे कि अभी मैंने अभी फाइल मैनेजर में जाके जैसा ये इस पर क्लिक करके क्लीन अप किया। अभी आजकल तो सभी मोबाइल में क्लीन अप का मतलब फंक्शन आ रहा है,
तो क्लीन अप कर लीजिए दो दो दिन के अंदर मोबाइल को। ये हॉनर हुआवे का मोबाइल के बारे में बताया ऐसा, और बाकी के मोबाइल का भी होगा। जैसे कि आप उसके अंदर जैसे फंक्शन में जाएंगे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि हुआवे का तो देख लिया अभी, और रेडमी वगैरह का ऐसा मतलब स्क्रीन स्वाइप कर करके ये साइड में यहाँ पे आपको दिख जाता उसका क्लीन अप, या फिर किसी किसी का यहाँ पे ऐसा सर्च बार में सर्च किया तो आ जाता। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा अभी ऑप्टिमाइज़र दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, इसको हमको पहले क्लीन करना होगा। ठीक है, हम इसको बाद में क्लीन कर लेंगे, सॉरी। तो जैसे कि ऑप्टिमाइज़र देखिए 95% गुड बता रहा है, 100% हो ना हमारे को, तो 95% भी अच्छा ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल में होगा फंक्शन तो देख लीजिए, चेक करिए। ठीक है, तो इससे आपका मोबाइल और जो आप वर्क करेंगे वो फास्ट होएगा। और दूसरा ऐसा कि जो हमारी रैम है मोबाइल की, जो रैम रहती है 2GB, 3GB, 4GB, ठीक है, 6GB, 8GB, तो उसका जो फंक्शन है उसको सफिशिएंट, जो हमारे मोबाइल में जितने रैम मतलब ऐप होंगे तो उसके ऊपर, वो रैम के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो कैसा वर्क करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मेरा देखिए 4GB की रैम है मेरे मोबाइल में, और ज़्यादातर मेरे पास में ऐप तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब थोड़े से कम भी हो सकते किसी के हिसाब से, किसी के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकते। तो आपको दिखा दिया देखिए मैंने ऐप, तो ज़्यादातर मैं इतने ऐप तो यूज़ करता नहीं हूँ। तो अगर आप ज़्यादा ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल ओपन करके रख दिया, व्हाट्सएप ओपन करके रख दिया, कैलकुलेटर ओपन करके रख दिया, तो ऐसे ओपन करके रख देते हैं ट्रूकॉलर, या फिर और कुछ कुछ हम ओपन करके रखते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर वगैरह ऐसे ऐप हम ओपन करके रख देते हैं, तो हमारा जो रैम का मैनेजमेंट है वो हो जाता है कम, क्योंकि रैम के ऊपर लोड गिर जाता है पूरा, क्योंकि हम इतने सारे ऐप खुल के रख देते तो हमारा जो रैम रहता है वो जो ये टास्क है वो परफॉर्म करना उसको हेवी पड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नीचे में, तो मैंने ऐप ओपन कर लिए तो ये यहाँ पे बताता है 1.56GB ऑफ 4GB फ्री। ठीक है, तो 4GB में से 1.56GB फ्री है, बाकी ये हमारे ऐप ने यूज़ कर लिया। तो इससे इसकी वजह से हमको पूरा हमारा जो ये है बैकग्राउंड ऐप जो हम जैसे कि अभी ओपन कर लिया तो हम इसको मिनिमाइज़ करके रख देंगे, तो ऐसा मत कीजिए, इसको डायरेक्ट क्लोज ही कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए या फिर बूस्ट कर दीजिए कुछ भी, लेकिन उसको रनिंग में नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा बैटरी पे भी इशू गिरता है, प्रॉब्लम आता है, बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है, और बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी तो मोबाइल की जो ड्यूरेबिलिटी है कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ये इसके बारे में भी था, जो कि हमने जो सेकंड ऑप्शन देखा था मोबाइल स्लो चलता है, हैंग होता है, तो ये घूम फिर के पूरा जो जाता है, पूरी बात जो जाती है वो पूरी बैटरी के ऊपर जाती है, कि अगर हम ज़्यादा ऐप यूज़ करेंगे तो बैटरी उतनी यूज़ होंगी, उतनी ज़्यादा जलेंगी बैटरी, तो हम बैटरी को जितना ठंडा रख सकते उतना ठंडा रखें, ज़्यादा यूज़ ना करें मोबाइल का। लेकिन आजकल के तो सभी लोग 24 घंटा हम बोलें 24 घंटे में से तो 15 से 16 घंटे तो मोबाइल हाथ में रहता है हमारे, नींद में से उठे बराबर और रात से सोने तक, यहाँ तक कि मैं भी यूज़ करता हूँ। तो एक बात बताने की उसके अंदर कि अगर हो सके तो थोड़ा कम यूज़ करें मोबाइल को तो अच्छा होगा, हीटअप इशू नहीं आएंगे, और मेमोरी को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा फुल मत भरिए मेमोरी को, तो उससे भी आपके मोबाइल में थोड़ा फास्ट वर्क होना चालू हो जाएगा। अगर आप फुल भरते हैं तो एब्सोल्युटली स्लो होना ही है। ठीक है, तो ऐसा है दोस्तों, वीडियो था इसके बारे में,
हीटिंग इशू और हैंगिंग स्लो जो मोबाइल होता है उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना फ्री है, ठीक है।